नमस्ते प्रणाम। सो बेसिकली अंदर बहुत कुछ ले जा रही हूँ, बहुत सवाल थे ओवर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन लॉट ऑफ फैमिली यू नो। तो एकदम से ऐसे लगा जैसे कि आपने एकदम से बता भी दिया कि द टाइम हैज कम टू फेस योर फैमिली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ना, ये 10-15 साल में बहुत उतराव चढ़ाव था एंड कुछ जी के कुछ समझ आया लाइफ के बारे में दैट अल्टीमेटली इज़ द फैमिली। हमारे को अपनी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो उन्हीं के माध्यम से होएगा। एंड जब आपने बोला ना गुरु बना लो अपने घर में किसी को, जिसको हमेशा रेजिस्ट कर रहे थे ना, उन्हीं से हम अपने बारे में कुछ सीख लें। बिल्कुल। तो दैट केम एज अ स्टैम्प कि यस, जो अभी तक सोच रही थी मन में ना, उसको आपने बेसिकली एक तरह से कन्फर्मेशन दे दी। बिकॉज मैं अपने इंट्यूशंस को बहुत बार गलत भी समझती थी या एनर्जीज नहीं होता था कि उस पर आप गो एक गोल सेटिंग बना दो उसको ना। सो द लॉट ऑफ थिंग्स जो लेके जा रही हूँ। एंड अभी आपने जब मेडिटेशन कराई थी, बॉडी मेडिटेशन में बहुत बार करते हैं, बट इस टाइम क्या हुआ वाइल डूइंग इट, पहले तो सम एनर्जी जो बना हुआ होता है उसे ऑलरेडी बॉडी में बहुत अवेयरनेस थी, और इसको करने के बाद ऐसे लगा कि यू नो एवरीथिंग जस्ट बिकेम टू मच एक्सेसिबल, एक हाँ ओवरहेलमिंग हो गया था वो फील जो आ रहा था। बहुत बार फील होता है ये यू नो दैट टोटल वाइटल एनर्जी जो फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में। सो बेसिकली आई एम जस्ट थैंकफुल आई केम हियर, बिकॉज मैं कई बार सोचती हूँ कभी देखिए इसीलिए इन आयोजनों का लाभ इसीलिए हो जाता है कि जब हम लोग ग्रुप में बैठते हैं एक माहौल होता है तो उन छोटी चीज़ों को हम आसानी से फील कर लेते हैं। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअली कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं तो पकड़ते नहीं। और ये जो सिंपल सी चीज़ मैंने शेयर करी ये एसेंस ऑफ मेडिटेशन है, मतलब बाकी जो इसके ऊपर है सब पैकिंग है। ये पैकिंग नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट ही है। अगर हम अपनी अलाइवनेस से कनेक्टेड 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 बने रहे फिर नथिंग एल्स इज नीडेड, कुछ और नहीं चाहिए। फिर आते रहेंगे। हाँ हाँ होपफुली बिल्कुल आते रहिए, मिलना जुलना ही जिंदगी है और क्या है। देन एक सेल्फ आई वाज ऑलवेज इन कंफ्यूजन अबाउट सेल्फ लव। आपने एक चीज बोला ना दैट अच्छा एंड गलत बोता यू ना, तो अगर हम अपने आप को हमेशा एक प्योरिटी फॉर्म में ही देखना चाहेंगे तो वी आर कंडेमिंग द अदर पाथ विच इज माई रियल मी ऑल्सो। एग्जैक्टली। सो दूसरे को क्या दिखाना, मैं पहले अपने आप को अपने अंदर अपना स्वीकार तो करूँ सब। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कंडेमनेशन की तरह नहीं देखना है ना, एक्चुअल में हम लोग डिक्शनरी के शिकार हैं और बाकी स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज के शिकार हैं। हमारे अंदर तो एक देखिए सिंपल बहुत प्रिसाइज टर्म्स में नॉन डुअल हमारा नेचर है अद्वैत, ड्यूअलिटी हमारा एक्सप्रेशन है, ड्यूअलिज्म हमारी प्रॉब्लम है। समझाएं क्लियर है नॉन डुअल अद्वैत, क्योंकि हम उसी सोर्स उसी विराटता के हिस्से हैं। ड्यूअलिटी यानी कि जब हम एक्सप्रेस होंगे, जब बॉडी माइंड में हम आए हैं तो दोनों चीज़ें रहेंगी, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी ऊपर कभी नीचे, ये लाइफ में रहेगा, कभी पीस कभी एब्सेंस ऑफ पीस। कोई सोचे कांस्टेंट पीस 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 तो बिल्कुल पीस पीस ही हो जाएगा, और कोई सोचे कि कांस्टेंट हैप्पीनेस उसका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। कांस्टेंट हैप्पीनेस भी नहीं होता है, आई गई मतलब हैप्पीनेस है हम जानते हैं उसको, लेकिन कभी कभी वो रेस्ट भी करेगी, रेस्टिंग पीरियड होगा उसका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे ये दोनों फेजेस आएंगे, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, अच्छा बुरे की तरह से नहीं देखना, क्योंकि हम एब्सेंस को बुरे की तरह से देख लेते हैं। किसी से हमें बहुत लव है, लव एज एक्सप्रेशन स्टेट वाली बात हटा दीजिए, और सर्टेनली 100% अनडाउटेडली उसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा, महीने में आए, दो महीने में आए, तीन महीने, जो बिल्कुल लवलेस हो जाएंगे, आप कुछ फील नहीं होगा, बल्कि वो इंसान इरिटेट भी करने लग सकता है, लगेगा थोड़ा भाग जाए, तो वो गिल्ट भी देता है लगता है। लेकिन वो अगर डिक्शनरी बदलें उसको तो डिक्शनरी की वो रेस्टिंग पीरियड है, वो लवलेसनेस नहीं है, वो लव अब फिर रिजुविनेट होके आएगा निकलेगा।
तो डुअलिटी रहेगी, लेकिन डुअलिज्म जो जो द्वैतपन है वो प्रॉब्लम ये है कि हम उनमें स्टक होते चले जाते हैं इधर उधर, फिर उसमें हमारी चॉइसेस आ जाती हैं, हमको ये चुनना है ये चुनना है, हमको अच्छा बहुत इंसान बनना है, हमको बुरा इंसान नहीं बनना है, ये सब। तो वो जो ये तीन प्लेटफॉर्म है, द्वैत में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस द्वैत में जैसे जैसे हम आइडेंटिफाइड करते हैं हम डुअलिज्म का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम फिर उससे इंटरप्रिटेशन करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। जो इंसान अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा था थोड़ी देर में आपको कम अच्छा लग सकता है, तो हम इंटरप्रेट अगर करने की आदत पड़ी है तो हमको लगे कुछ बदल गया, और अगर बहुत बातें करने की समस्या है, व्हाट्सएप करने की समस्या है, तो आप उतनी देर में लिख भी चुके होंगे कल आप जितने अच्छे लगते थे आज मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, अब वो डेटा बन गया, रिकॉर्ड हो गया, अब इस पर तो झगड़े होंगे कई काफ़ी समय तक। तो बहुत सारी चीज़ों के मैसेज नहीं करने चाहिए, उनको अपने तक ही रखना चाहिए, बस फील करिए, देखिए, लिखिए नहीं, यानी मतलब एक्सप्रेस भी मत करिए किसी को, तो वो गुजर जाएगा। तो हम लोग अपने व्यक्तित्व में भी इन सब चीज़ों से धीरे धीरे अटकते चले जाते हैं, तो वो जो डुअलिज्म पैदा हो जाता है वो सारी समस्या की जड़ है। एक ही इंसान के अंदर संत असंत दोनों आते जाते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन उनको हम जीने वाले थोड़े ही हैं, हम जीने वाले नहीं हैं, जिएंगे हम डुअलिटी को ही, लेकिन जैसे कोई डुअल यानी कि वो जो उसका आइडेंटिफिकेशन है उसको जीने में पड़ जाएगा तो वो फिर एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। किसी को आपको बहुत प्यार से गले लगाने का मन कर रहा है, कभी न कभी उसका सिर फोड़ने का भी मन कर सकता है, लेकिन उसी मोमेंट में फोड़ डाला तो आपको फिर कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाएगा, पुलिस थाना, लेकिन उस मोमेंट को हमने समझा, एक्सेप्ट किया कि ये भी मेरे अंदर आता है और इसमें कोई बुराई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुजर जाएगा वो। तो ऐसे फ्लोइंग लाइफ में जब हम चलते हैं तो नेचुरल टेंडेंसी हमारी बॉडी माइंड की कि वो हमेशा जो ब्लिसफुल है उसकी तरफ बहता चला जाएगा। तो हमको जिसको हम सो कॉल्ड नेगेटिव कहते हैं उसको इंटरप्रेट करना ही क्यों है, वो केवल एक रिजुविनेटिंग प्रोसेस है। अगर हम अपनी फिजिकल लाइफ की ही बात देखें, आप देखिए सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही जो चॉइसेस्ट फूड जो है हमारे पास, जो अच्छे से अच्छा नरिशिंग फूड है, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, वो भी हमारा ही पार्ट है। लेकिन अगर आप एज अ बायोलॉजिकली आप देखिए कि हमारा वही वेस्टेज का जो सारा मसला है बॉडी का वही बंद हो जाए तो हम जल्दी ही मरने की तरफ बढ़ जाएंगे। बॉडी में सब वैसा ही नहीं है कि सब बहुत अच्छे वाला, लेकिन जिस अब बुरा तो वो भी नहीं है ना, बुरा तो कुछ भी नहीं, हमने उसको टैग किया हुआ है बुरे की तरह, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसी तरह से लाइफ तो जब तक रहेगी, ये शरीर मन जब तक रहेगा ये ड्यूअलिटी के एक्सप्रेशन रहेंगे, उसमें कुछ ना बुरा है ना अच्छा है। हमारी टेंडेंसी बॉडी माइंड की नेचुरली हमेशा उसका जो सब्लाइम पार्ट है उसकी तरफ भागती चली जाएगी। तो इवन हमारी बॉडी कोई भी वेस्टेज क्रिएट करती है लेकिन हम उसमें जीने वाले रहने वाले नहीं हैं, हम नेचुरली नहीं रहेंगे उसमें। मतलब ये नहीं कि कोई कहे कि हम चॉइस के साथ उसमें नहीं रह रहे हैं, हम चॉइस नहीं कर रहे हैं, हट जा रहे हैं हम वहाँ से। तो इसी तरह से इनको हम थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, अपने इमोशंस, अगर उनमें हम थोड़ा आइडेंटिफिकेशन बंद कर देंगे तो वो भी आएंगे चले जाएंगे, और जो सब्लाइम इमोशंस हैं उनको चार्ज करके, उनको नई एनर्जी देके वो आगे बढ़ जाएंगे। इतना है, तो इंटरप्रिटेशंस को ड्रॉप कर लेंगे, That's all. Thank you.